Hey foodie fam, I welcome you all back to my channel with a new recipe. In today's video, we're going to compare homemade croissants with ready-made croissants. Let's see which one is more better and tastier. Before going into the recipe, today's shoutout goes to Geeta Mahesh. And now, without wasting any time, let's get started. First, take a bowl into which I'm going to pour 1/3 cup of milk. I'm using a stainless steel container to pour it because the milk is warm and don't use plastic even for warm things. Next, let's take active dry yeast. I'm going to add 1/2 tablespoon of active dry yeast into the warm milk. Next, let's add salt and sugar to the milk. I'm going to add 1 teaspoon of salt and 1 tablespoon of sugar. एक बार अच्छे से मिला लो इसको और इसको बंद कर लेते हैं. कोई भी ढक्कन से बंद कर लो चलेगा. मेरे पास इसके लिए ढक्कन नहीं है तो मैं अभी सिल्वर फॉइल से बंद कर रही हूँ. बंद करने के बाद तुरंत आधे घंटे का अलार्म लगा लो या टाइमर लगा लो. अभी आधा घंटा हो चुका है. अब देखते हैं कि कैसा है. आप देख सकते हो कितने बबल्स है. इसका मतलब आपका ईस्ट एक्टिवेट हो गया है और अब सक्सेसफुल है. अब इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर लेते हैं अभी स्टार्टिंग में ही. हमें टोटली 1.5 कप ऑफ मैदा यूज़ करना है. हम थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे. पहले मैंने 1 कप तो ऐड कर लिया और बाकी का जो 1/2 कप है हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे. स्पून से कुछ नहीं होने वाला इस आटे का. आपको हाथ रखना ही पड़ेगा. और अभी मैं बाकी का आटा भी अभी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिला लेते हैं. आटा हमारा तैयार होने वाला है. पहले मैं जाके हाथ साफ करके आती हूँ. थोड़ा तेल लेके आती हूँ. अभी मैंने लाया है 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल. इसको और एक बार अच्छे से मिला लो. अभी ये आटा उतना चिपको नहीं है. हमें उतना चिपको आटा नहीं चाहिए क्रूजॉन्स के लिए, वरना जब हम शेप करेंगे तो वो हमारे हाथ में ही चिपक जाएगा. तो अभी हम आटे को कुछ ऐसा करके, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते लेकिन मैंने लोगों को देखा ऐसा करते हुए तो मैं भी कर रही हूँ, रख दिया. और इसको वापस कोई सिल्वर फॉइल से बंद कर लो. इस बार हमें 1 या 1.5 घंटे के लिए रखना है सॉलिड, वरना ये पूरा फूलेगा नहीं. तो वापस लगा लो अलार्म और जाके कुछ टाइम पास कर लेते हैं तब तक. अभी 1.5 घंटा हो गया है और ये देखो कितना अच्छे से फूल गया है. ये डबल से भी ज़्यादा फूल गया है. तो अभी हमें इसको दबाना बिल्कुल नहीं है. एकदम सॉफ्ट है और ऐसे ही रहने दो, इसको दबाओ मत. तो एक साफ़ सुथरे स्लैब में मैंने लगा लिया है मैदा, उसके ऊपर अपना आटा. अभी इसको हमें रोल करके रेक्टेंगल शेप में पहले कट करना है और उसको आधे में कट करके ट्रायंगल बनाना है. मैं दिखाती हूँ कैसा करना है. तो अभी हम कट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. अभी देखो रेक्टेंगल को मैंने डायगनली कट करके उसको ट्रायंगल बना लिया और इसके बीच में हम लगा लेंगे अभी चॉकलेट. ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना वरना चॉकलेट बाहर निकल जाएगा. नाउ लेट्स फोल्ड इट टू गिव द क्रूजॉन शेप. अब हम बना लेते हैं कुछ छोटे साइज के क्रूजॉन्स, जिसके लिए इसे सर्कल को बीच में से काट लो और उसके ऊपर चॉकलेट लगा के पहले जैसे ही फोल्ड कर लो. ऐसे छोटे क्रूजॉन्स ज़्यादा क्यूट लगते हैं. इसको और 1/2 घंटा हम रेस्ट देंगे
और आधा घंटे के बाद हम इसको बेक कर लेंगे। अभी अपने बर्तन में तेल या बटर डाल के ग्रीस कर लो। उसके ऊपर अपना क्रूजॉन्स डाल के उसके ऊपर भी हम बटर या तेल लगा लेते हैं। यूजुअली वी यूज एग टू ब्रश इट अप, बट नाउ इट्स नवरात्रि टाइम एंड नो नॉन वेज, सो वी आर यूजिंग ऑयल टू ब्रश। अभी हम अपना नॉर्मल बेकिंग सेटअप लगा लेते हैं, जो है कढ़ाई 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया हुआ था और इसमें हमने अपने मोल्ड को रख के बंद कर लिया है। हमें 45 मिनट इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल भी खोल खोल के मत देखो। 45 मिनट्स के बाद ये हमारा क्रूजॉन बन के तैयार हो गया है। ये अभी थोड़े ठंडे हो गए, इसके लिए मैं इसके ऊपर हाथ लगा पा रही हूँ, लेकिन जब ये गर्म है तभी प्लीज़ इसको मत खाओ, क्योंकि ये आपके मुंह पे दिवाली मचा सकती है। तो अभी हम करते हैं कंपेयर ट्रीट क्रूजॉन्स के साथ हमारे क्रूजॉन्स को। ये है हमारा रेडीमेड क्रूजॉन, जो देख के ही पता चल रहा है कि ये ज़्यादा फ्रेश नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट लग रहा है। इसको हम अब खोल के देखते हैं इसके अंदर कितना चॉकलेट है। ये ओके, ये चॉकलेट नहीं है एक्चुअली, ये इन्होंने क्रीम लगाई है जिसमें इन्होंने थोड़ा कंजूसी की है। ये हमेशा ऐसा ही रहता है रेडीमेड चीज़ों में, ये लोग हमेशा चॉकलेट स्टफिंग जो भी लगाते हैं उसमें थोड़ा कंजूसी करते हैं। वैसे है इसमें, मेरा दूसरा ब्रांड का मैं खाती हूँ उसमें इससे भी कम रहता है, तो ये ओके ओके है। और इसके टेस्ट के लिए मैं दूंगी इसको 8 out of 10। अब देखते हैं हमारे क्रूजॉन्स को। वाव, देखो कितना चॉकलेट है, मैंने कुछ ज़्यादा चॉकलेट लगाया ही नहीं था, बहुत कम ही लगाया था, लेकिन ये कितना अच्छे से मेल्ट होके बाहर फ्लो आउट हो रहा है। देखो ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट भी है और चॉकलेटी भी है। अभी हम अपना बड़ा वाला क्रूजॉन भी देखते हैं। उप्स, ये एकदम फाउंटेन जैसा चॉकलेट बाहर निकल आ रहा, और इसका टेस्ट भी सेम है हमारे छोटे क्रूजॉन जैसे ही, क्योंकि चॉकलेट भी सेम था और बैटर भी सेम है। और मैं अपने छोटे क्रूजॉन्स और बड़े क्रूजॉन्स दोनों क्रूजॉन्स को मैं टेस्ट के लिए दूंगी 6 out of 10, क्योंकि इसके बन उतना स्वीट नहीं है जितना उस ब्रांडेड वाले का था, लेकिन ये फ्रेश बिल्कुल है। तो ये अभी आपकी बारी है, आप भी घर पे ट्राई करो और बताओ कि आपको कौन सा रेसिपी पसंद आया। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।